फिर केस लड़ रहे थे, उसका क्या बना केस, का क्या हुआ? और स्टे ऑर्डर लिया था, उसका क्या बना? जी स्टे ऑर्डर कोई मानते नहीं है इनके, ये माफी हैं, ये माफी आते हैं तो बस कम से कम 100 बंदों की नफरी होती है तो हमारे पे दहशत और खौफ हरास कर देते हैं। और हमने बड़ा इनसे मुकाबला किया, इनसे पहले इन्होंने हमारे दुकानदारों के सिर भी फाड़े हैं, हमारे बच्चों के हाथ भी तोड़े हैं। इनके पास इतनी अप्रोच और इतनी पावर है कि इन्होंने FIR तक नहीं कटने दी। नहीं तो कोई पुलिस वाला नहीं साथ आया, कोई आप लोगों साइड हो जाएगा, तुम्हारा आपस का मसला है। नहीं ये कैसी बात है, फिर पुलिस किस काम की है कि अगर आपस का मसला है तो क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? हम तो मजलूम हैं, वो जालिम बने हुए, हम मजलूम हैं, हम क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ी हमारी मजबूरी, हमारी इज्जतें, अगर हमारी फैमिलियाँ, हमारी बच्चियाँ हमारे साथ ना हो तो हम पे तो मर भी मिटे इनके साथ। लेकिन ये कहते हैं ये आर्डर है, रियासत के आर्डर है, हम तो गए हैं मलिक इब्रार साहब के पास भी गए, अगर इस पोजीशन में हमारे कोई काम आया तो मिनार्टिस का सबका है, मैंने असफन यार भंडारा साहब, अच्छा। जिसने एक दिन के अंदर हमदर्दी रखते हुए उसने डायरेक्टर DG स्टेशन कमांडर मलिक इब्रार डीसी और सबको लेटर उसने हमारे सामने शाया किए और बहुत हमदर्दी रखी हुई। तो फिर क्या किया हो? तो हमने क्या किया जी, हम तो वकील भी कराए हैं, हमारे वकील हैं हाई कोर्ट के ताहिर चौहान साहब, उन्होंने भी बड़ी एफर्ट की है, लेकिन जज साहब भी हम स्टे लेने जाते थे एकदम ही हमें कैंसिल कर देते थे बगैर पूछे पाछे, क्योंकि कंटोनमेंट को सिर्फ एक ही जज मिला, एक ही जज है, उसका नाम है नवीद अख्तर, अच्छा। सिर्फ हमारा केस, जब हम केस करते नवीद अख्तर के पास चला जाता है, हमें समझ ही नहीं आती। देखें हम ये नहीं कहते चलो अगर कागजों में ने इस बात साबित कर लिया, हमारे पास भी पेपर थे, हमारे बड़े, हम यहाँ पे 70 साल से रह रहे हैं, हाँ, मेरी 45 साल हो गई है, मेरे फादर की 90 साल एज है, तो हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो एकदम ही शोकार का नोटिस तो आता है ना, नोटिस आता है बिल्कुल, अगर कोई एक नोटिस आ जाता हमें वो डेट दे देते, आपके पास एक हफ्ते का टाइम है, कम से कम अपना सामान तो बचा लेते, हमने इनके डंडे भी खाए, हाथ भी तड़वाए, सिर भी फड़वा लिए, कोई नहीं, कोई कैमरा कवरी जला नहीं आया, कोई चल नहीं, ये वही बात है, हैरत की बात है, वरना फौरन मीडिया पहुंच जाती है। गाँव तो गाँव का है, जंगल का कानून है, हाई जैक लगाए हुए, ड्रोन कैमरा लगाया, पूरी तैयारी के साथ आए, तो बस हम अब क्या कर सके, अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं, मैं मिनार्टी से हूँ, मैं अपने बच्चों को मंदिर में लेके जा रहा हूँ, कोई जगह नहीं है, मेरे बच्चे 5 बच्चे हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सबसे प्यारे इस मुल्क में हमें क्या फ्यूचर मिला है, बिल्कुल ठीक है, जब हमने फैसला किया हमने इधर रहने का, ये सारे मुसलमान हमारे भाई